हैं इस वक्त रोहिणी में और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर माउंटेनियर्स व्लॉग्स। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं उत्तराखंड में ताड़केश्वर महादेव। देखते हैं वहाँ पे हमारा कैसा रहता है, कैसा जर्नी रहता है। पीछे हमारी कार है, हमारे साथ चार लोग और हैं, हमने 7 सीटर बुक किया था और यहाँ से बस हम 5 मिनट बाद निकलते हैं। तो हाँ, इस तरह हम निकल चुके हैं अपने ताड़केश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। दिल्ली से निकले हैं तो हमें वैसे तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग ये 5.5 घंटे का रास्ता दिखाता है, बट क्योंकि हम हॉल्ट्स लेंगे, ब्रेक्स लेंगे, ऑब्वियसली इंजॉय करते हुए सीनिक व्यूज़ को हम निकलेंगे, तो हमें कम से कम नहीं तो ये 7 घंटे 6.5 घंटे के आसपास का रास्ता हमें पड़ेगा। यहाँ से 273 किलोमीटर्स ये है। देखते हैं कि हमारी आगे की जर्नी कैसी रहती है, कैसे हम अपने सीनिक व्यूज का लुफ्त उठाते उठाते आगे बढ़ते हैं। पहुंच चुके हैं नजीबाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है। यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास हमें कोटद्वार भी पड़ेगा। आगे कोटद्वार भी बहुत सुंदर है, आपको देखने को जो मिलेगी, रोड्स बहुत सुंदर हैं यहाँ की। ताड़केश्वर महादेव खुद ही एक दिव्य अनुभव है और इस दर्शन का, इस जर्नी का ख्याल हमें रैंडमली नॉर्मली बस घर पे बैठे बैठे एक नॉर्मल यूट्यूबर के वीलॉग्स देखते देखते आया कि हाँ जी, ये ताड़केश्वर गए थे, हम भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेंगे। हम निकल पड़े, अचानक प्लान बनाया और बस आप यकीन मानिए, अर्टिगा बुक करने के लिए हमें लिटरली कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, बट रैंडम प्लान था तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई, बट हमने एक दिन पहले ही प्लान बनाया और अगले दिन हम निकल पड़े। हमारे साथ जो चार लोग हैं, कविता तड़ियाल जो कि फ्रेंड है मेरी, अभिषेक रावत जो कि फ्रेंड है अगेन, और मेरे हस्बैंड प्रणव मल्होत्रा, और कविता और अभिषेक के जिया जी हमारे साथ हैं, और राहुल पटवाल जो कि उनके कज़न ब्रदर हैं, और मेरे मामा जी। हम 7 लोग अर्टिगा लेके निकल तो पड़े हैं, देखते हैं आगे सफ़र में आपको और हम क्या खूबसूरत चीज़ें दिखा सकते हैं। यहाँ पे हॉल्ट ले रहे हैं दुर्गा देवी टेम्पल के लिए। थोड़े बहुत सीनिक व्यूज़ हम आपको यहाँ पर दिखा पा रहे हैं, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है जैसा मैंने अभी सुना है, तो हम आपको सिर्फ सीनिक व्यूज से ही काम चलाने को कहेंगे यहाँ पर चिंता मत करिए, आगे बहुत कुछ है दिखाने को। जब भी घर पर होते हैं ना हम, दिन खाली होता हो, तो ये एक आवाज़ है जो अंदर से आती है, जो कहती है कि अरे उठो, जागो, दौड़ो, ज़रा मिल के आओ उन पहाड़ों से, ज़रा मिल के आओ उन वादियों से, ज़रा मिल के आओ उन ठंडी पवनों से, थोड़ा तो पानी में भी घुल के देखो, थोड़ा सा अजी मचलाओ, थोड़ा सा आलस दूर भगाओ, आँखों को सुकून थोड़ा दिलाओ कि मोहब्बत अंदर से की है तो उसे जगाओ। सारा जग जब सो जाए तो तुम निकल जाओ एक छोटे मगर बड़े सफर पर, एक नन्ही पर लंबी कहानी पर, उठाओ कलम और लिख दो कुछ खूबसूरत सा नज़्मा, अपने पल का हिस्सा बना डालो, लंबी कहानी लिख डालो। आओ चल पड़ते हैं इस नए सफर पर विद प्रियंका नेगी एंड कंपनी। ये सब हम सिर्फ फोटोज और वीडियोस क्लिक करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसीलिए हम यहाँ पे इतना टाइम पास कर रहे हैं। ये बादल, ये वादियाँ, ये हवाएं, ये नीला आसमान, ये हरियाली की खुशबू, हम जरा 4 गली बाहर क्या आए कि पूरा का पूरा आसमान एकदम साफ साफ दिखने लगा है। चश्मे से हमारी किसी ने जैसे धूल साफ की है, धुंधला था जो कभी वो आज साफ साफ नजर आने लगा है। अरे अभी कोई रोक लो, कहीं फिर से हम बह चले तो वापसी शहर की और मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तो अब कुदरत से मिलो तो कुछ इस तरह मिलो जैसे जानवर
इतनी खूबसूरत तरीके से घास खाते हैं मैंने कभी इतने करीब से ऐसे सुंदर वादियों में नहीं देखा है, बट ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो मतलब महसूस करिए, हर एक मोमेंट को महसूस करिए, और ये सच में अपने आप में इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने रूम से, अपने लैपटॉप के सामने से, मतलब निकल के बाहर एक अलग दुनिया में जाते हो, तो आपको इतना कुछ जानने और सीखने को मिलता है ना, यू कांट इवन इमेजिन। तब आप एक जगह रह के कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बट बाहर रह के बहुत कुछ मतलब आप सीख पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ बैलेंस्ड रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ये मैं हर सफ़र पे जाते हुए मतलब हमेशा अपने आप से कहती हूँ। मतलब मजा ही आ गया सफर का। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सबने अपना अनुभव हमारे साथ बांटा, हमारा अपना खुद का ज्ञान बढ़ गया। तो इस बात पे मैं सिर्फ एक ही कविता कहूंगी कि ये सफर क्यों सुकून देता है मंजिल से ज्यादा, क्यों अब पैर रुकते नहीं जब रास्ते रुक गए हैं, और भी रंगीन लगती है शामें जब सफर और नमकीन बनता है। बीते वक्त ने सिखाया बहुत कुछ, पर सीखने से बेहतर क्यों अब जीना लगता है। बस यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर आज के दिन की, जो है ताड़केश्वर महादेव। कर दिए यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क, अब हम यहाँ से नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। ताड़केश्वर महादेव जंगलों के बीचों बीच ये मंदिर है। पाइन्स के ट्री हैं यहाँ पे, देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे, जहाँ भी देवदार के पेड़ होते हैं वहाँ बर्फ जरूर पड़ती है सर्दियों में। और ये एक विलेज है, इस विलेज की वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा या मंदिर की वजह से इस विलेज का नाम पड़ा, नो आइडिया। बट हाँ, इसकी हाइट है 1800 मीटर अबव, और ये बहुत ही सुंदर है। जैसा आप देख रहे हो नेचर से जुड़ा हुआ मंदिर, और आप जैसे इस मंदिर के एरिया में एंटर करते हो एक डिफरेंट वाइब है, एक डिफरेंट आप कहेंगे एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर 2 धर्मशाला है, एक ऊपर की तरफ जो आपने देखी ओल्ड धर्मशाला, नीचे की तरफ येलोइश में है न्यू धर्मशाला। आज हम रात को यहीं स्टे करेंगे न्यू धर्मशाला में, और कल हम करेंगे महादेव के दर्शन मॉर्निंग में सुबह की आरती अटेंड करते हुए। ऑल दो वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, बट हम वहाँ पे दर्शन करेंगे और अपनी श्रद्धा से करेंगे। आपको बाकी और भी चीज़ें हम कैमरा पर ज़रूर शूट करके दिखाएंगे। में वैसे तो खाने का इंतजाम है, बट क्योंकि हम जस्ट अभी आए हैं, हमने बस अभी पीछे जो आपने एक कार्ट देखा होगा वहाँ पर थोड़ा सा जंक फूड फास्ट फूड टाइप्स मिल जाता है हमें, मैक्रोनी चाउमीन और पराठा, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। हमने थोड़ा सा अपना जो है स्नैक्स में खा लिया है, इसके बाद हम वापस से धर्मशाला जाएंगे, फ्रेश होंगे और आराम करेंगे। मतलब आप इन बादलों को चलते हुए देखिए, कितने सुंदर लगते हैं ये, ऐसा लगता है इतने करीब से कभी प्रकृति को देखा ही ना हो जैसे।
वैसे तो प्लान हमारा धर्मशाला के पास पहुंच करके आराम करने का था, फ्रेश होने का था, बट हमने सिर्फ अपना जो भी है नॉर्मल वॉश लिया। उसके बाद हम सीधा यहाँ आसपास की चीज़ें एक्साइटमेंट में एक्सप्लोर करने के लिए आ गए कि भाई जंगल के बीचों बीच है तो ऐसा क्या स्पेशल है, क्या मज़ेदार और हमें मिल सकता है, क्योंकि हम बॉन फायर की भी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी प्लान कर रहे हैं। वैसे यूँ तो हमने एंजॉय बहुत किया है, बट थोड़ी सी नौटंकी नर्तकियाँ हम भी कर लेते हैं, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। शाम के वक्त एक छोटी सी झलक आप तारकेश्वर महादेव मंदिर की देख सकते हैं बाहर से। हम अभी अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने बात नहीं लिया है, ये कल सुबह हम फ्रेश दर्शन करेंगे, बहुत अच्छे दर्शन करेंगे। हमारे पास इस लकड़ी को जलाने के लिए जो कि हमें बॉनफायर के लिए चाहिए, सिर्फ एक आखिरी होप बची थी, हमारे साथ करा पंडित जी ने एक आखिरी तिल्ली माचिस थी। ये माचिस एकदम खत्म, फटाक से नष्ट, एक लास्ट हमारे पास उम्मीद बची एक तिल्ली। ये देखो कुछ को चरने से फुर्सत नहीं है, ये कुछ यहाँ बैठे इनको बड़बड़ाने से फुर्सत नहीं है, किसी को हंसने से और किसी को वीलॉग बनाने से। वीलॉग विनोद, वीलॉग बना रहे हैं विनोद। हाँ ये हो जाए तो ये हमारी एक सबको जय श्री राम इस काम को अंजाम देने की एक नई कोशिश। ये शरारती तत्व दिल्ली से आए हैं कुछ, एकदम वही लगा देते थे और खाना ना वही टेबल आके मिल गया। आपको कैसा लगता है? भाई यहाँ पर बहुत हैरान ना हो, यहाँ पर हम अपने बर्तन खुद धो रहे हैं, क्योंकि धर्मशाला में ऐसा ही नियम है। आपके नीचे से निकाल रहे हो, साइड पे रखो, यूं अक्षय कुमार की तरह निकालो करके। मैं पहले पानी से निकाल देती हूँ बर्तन। आइए हटा दो, जैसे दांत तो लगेंगे। हाँ कुछ कुछ करते हैं, इसको भी खराब करेंगे अपने मेहनती लोग। GoPro जिसके लिए इतना वक्त लेता है, इट हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम टू मेक दिस हैपन। आप देखिए कितना शानदार आकाशगंगा आपको दिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था। हर हर महादेव। सुबह के बज रहे हैं 6:30 प्लस में, हम लोग यहाँ आरती के लिए आ चुके हैं टाइम से। जल्दी जल्दी नहा धोकर हम निकले गए अपनी धर्मशाला के कमरे से बाहर, और सब बस आरती के लिए दौड़े दौड़े बस पहुँच गए कि टाइम से वहाँ पहुँच जाएं हम लोग। भगवान के दर्शन और आरती हमने टाइम से संपन्न किया, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए, काफ़ी लंबी आरती चली, माता रानी की आरती भी यहाँ पर चली। और अलाउड तो कैमरा था नहीं, तो हम कुछ रिकॉर्ड तो कर नहीं पाए आप लोगों के लिए। आप खुद ज़रूर आए यहाँ पर और विजिट करें इसको, दर्शन करें महादेव के। ये जो जंगल की खूबसूरती है ये ज़रूर हम आपको दिखा सकते हैं कैमरा पर अभी, तो आप इसको तो इंजॉय कर ही सकते हैं। ताड़केश्वर महादेव, इसके बारे में हम आपको क्या बता सकते हैं, ये हम खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत ही दिव्य मंदिर है, इसके पीछे हिस्ट्री है। ऑब्वियसली सनातन धर्म के हर मंदिर के पीछे एक हिस्ट्री है, और यह मंदिर कोई मामूली मंदिर या साधारण मंदिर नहीं है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर बलूत और देवदार के वनों से घिरा हुआ है, जो देखने में बहुत ही मनोरम लगता है। यहाँ कई सारे पानी के छोटे छोटे झरने भी बहते हैं, और ये मंदिर सिद्ध पीठों में से एक है, कोई मामूली मंदिर नहीं है। यहाँ पर किसी भी दिन आप 8 बजे से 5 बजे तक दर्शन कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर यहाँ का जो नजारा है वो बड़ा अद्भुत होता है, मतलब अमेजिंग। इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है, ये मुझे लगता है सभी को पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि ताड़कासुर नामक
एक राक्षस होता था जो ऋषि मुनि और देवताओं को बहुत दुखी करता था, परेशान करता था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर के ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हमें इनसे जो है आज़ादी दिलवाओ, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया हुआ है, ताड़कासुर ने, इसका वध, इसका अंत निश्चित करवाइए। तो महादेव को तो पता ही था कि उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उन्होंने ही ताड़कासुर का वध करना है, दैट इज फिक्स्ड। सो शिव जी ने माता पार्वती से शादी की और उसके बाद कार्तिकेय जी आए और कार्तिकेय जी ने उनका वध करने का ठान लिया। तो जब कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर के वध करने के लिए लिए चले गए, तो उसके बाद उन्होंने अपने अंत टाइम में ताड़कासुर राक्षस ने माफ़ी मांगी शिव भगवान से। तो शिव भगवान ने उन्हें माफ़ी भी दी पर उनके अंत टाइम पर उन्होंने उन्हें वरदान भी दिया कि कलयुग में तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिया जाएगा और तुम्हारी भी मेरे नाम की तरह ही पूजा होगी। तो जो नाम उनका पड़ा इस मंदिर के लिए, ताड़केश्वर महादेव पड़ गया। मतलब धर्मशाला की पैंट्री और इतनी सफाई थी यहाँ पर, बहुत साफ सुथरा किचन, बहुत साफ सुथरी जगह थी यहाँ पर। हालांकि जंगलों के बीचों बीच है, देवदार के पेड़ों के बीच में है और खुले आसमान के नीचे, और इतनी सफाई रखी हुई है यहाँ पर। इवन जिस रूम में हम रुके थे वो भी बहुत सुंदर था और बहुत साफ सुथरा था। मतलब मुझे पहली बार कहीं ठहर के ऐसा एक्सपीरियंस लगा कि बिल्कुल घर जैसा बेड, घर जैसी साफ सुथरी चादर। ऑल ओवर बहुत सुंदर धर्मशाला है, बहुत अच्छे दर्शन हुए। इस ट्रिप को, डे वन को मैं 10 out of 10 देना चाहूँगी। यही करते हैं अपना डे वन का एंड। आपका दिन मंगलमय हो और हमारा भी। बाय बाय।